भाई लोग सोलन टू अनरेवल टांग सेट का ये एपिसोड काफी अच्छा होने वाला है, तो प्लीज इस एपिसोड को भी भर भर के लाइक करें। और एपिसोड की स्टार्टिंग में हम युवा को देखते हैं जो कहता है कि टीचर वांग आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपकी कड़ी मेहनत के लिए, और हम वापस से जा रहे हैं थोड़ा और ट्रेन करने के लिए। और थका हारा वांगडोंग कहता है कि ट्रेनिंग, हर रोज बस तुम ट्रेनिंग ट्रेनिंग ही करते रहते हो, क्या तुम्हें इसके अलावा कुछ और नहीं पता है क्या? मैं इसके बाद सबसे पहले तो जाके नहाऊंगा और फिर एक झपकी लूंगा। और ट्रेनिंग की बात को सुन के टीचर वांग भी इन दोनों को जाने की इजाजत दे देते हैं, और इन्हें जाते हुए देख सोचते हैं कि ये दोनों काफी अमेजिंग है। और अब इनके पास तो 4 डिफरेंट स्प्रिट फ्यूजन एबिलिटीज हैं, तो यही पक्का हमारे जीतने की चाबी होंगी। और तभी टीचर वांग किसी अननोन पर्सन को आते हुए नोटिस करते हैं, जिन्हें देख के ये थोड़े से हैरान भी होते हैं। और तभी हम युहा और वांगडोंग के आगे 2 मिस्टीरियस पर्सन को देखते हैं, जो कि युहा और वांगडोंग का रास्ता रोक लिए होते हैं। तो वांगडोंग इन दोनों से कहता है कि क्या आप दोनों साइड में हट जाएंगे जिससे कि हम यहाँ से जा सकें। तो इनमें से एक बंदा कहता है कि तुम लोग जा सकते हो, लेकिन इस बंदे को यहीं पे रुकना होगा, हमें इसके साथ कुछ बातचीत करनी है। तो युहा कहता है कि लेकिन मैं आप लोगों को तो जानता ही नहीं हूँ। तो इसके साथ में जो टकला होता है वो कहता है कि अच्छा तो तुम हमें जानते नहीं हो ना। और इतना कह के ये अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करता है इन सभी के ऊपर, जिस वजह से टीचर वांग और जू सांसी को काफी तगड़ा शॉक लगता है और वो एकदम फ्रीज ही रह जाते हैं। और इस तरफ युहा इसकी मेंटल एबिलिटी से फाइट करते हुए मन में कहता है कि इसके पास भी एक मेंटल एबिलिटी है, ना जाने ये दोनों क्या सोच रहे हैं। और हम देखते हैं कि इस बंदे की जो मेंटल एबिलिटी होती है उसका वांगडोंग और हियाओ के ऊपर कोई भी असर नहीं होता है। और इस चीज को देख के ये मन में कहता है कि ये दोनों बच्चे ऐसा दिखता है कि मेरे अटैक का इनके ऊपर असर नहीं हुआ है। और फिर ये यहाँ से जाते हुए कहता है कि हमें तुम लोगों को नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, हम तो बस तुम्हारे साथ बात करना चाहते हैं, और अगर तुम चाहते हो कि बाकी लोगों को नुकसान ना पहुंचे इसलिए तुम मुझे फॉलो करो। और तभी टीचर वांग और जूसांसी ये दोनों ही होश में आ जाते हैं। और तभी टीचर वांग काफी परेशान होते हुए कहते हैं कि अभी अभी उन लोगों ने मुझे अपने एक स्पेल में फंसा लिया था, ये दोनों ताकतवर हैं हम दोनों से भी ज्यादा, और इनमें से तो एक के पास मेंटल टाइप एबिलिटी भी है, और मैं युहा के साथ जाता हूँ और सुनता हूँ कि वो लोग क्या चाहते हैं। तो वांगडोंग चिल्लाते हुए कहता है कि रुकिए, ये काफी ज्यादा डेंजरस है, और एक नजर में देख के आप लोग बता सकते हैं कि ये दोनों काफी बुरे लोग हैं। तो टीचर वांग युहा के साथ यहाँ से जाते हुए कहते हैं कि चलो ठीक है, अब तुम दोनों ज्यादा चिंता मत करो, और अब जब उन लोगों ने हम लोगों तक यहाँ तक पहुँचने का डिसाइड किया है तो वो लोग भी कोई बचकानी हरकत करने की हिम्मत नहीं करेंगे, और ये वो जगह है जहाँ पे जिंगलो टूर्नामेंट के पार्टिसिपेंट्स रहते हैं, इसलिए तुम लोग वापस चले जाओ। और इतना कहकर टीचर वांग युहा को अपने साथ लेके यहाँ से चले जाते हैं। और वांगडोंग हैरान होते हुए कहता है कि क्या सच में ये ठीक रहेगा? तो जूसांसी कहता है कि चलो वापस चल के सभी को इस बारे में बताते हैं, और अगर हम पहले से केयरफुल रहते हैं तो कुछ भी गलत नहीं होगा। और फिर हम इन दोनों मिस्टीरियस बंदों के सामने टीचर वांग और युहा को बैठे हुए देखते हैं, जहाँ युवा कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारी पहली मुलाकात है और क्या बात है। तो ये टकला कहता है कि तुमने सही कहा, लेकिन हम तुम्हें काफी लंबे समय से ऑब्जर्व कर रहे हैं, और अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हारी फर्स्ट स्प्रिट एजेंस तुम्हारी आईज है ना, और तो तुम्हारी फर्स्ट एबिलिटी मेंटल स्पाई और शेयरिंग है ना, जबकि तुम्हारी सेकेंड एबिलिटी एक इल्यूजन है, और लगता है कि ये तुम्हें नॉर्टन प्लेन के एक वॉर्म से मिली है, और तो तुमने अपने आप को ट्रेन करके टांग सेक्टी टेक्निक्स को हासिल किया है। और इनकी इन बातों को सुन के युवा काफी ज्यादा चौंक जाता है और मन में कहता है कि ये लोग तो काफी कुछ जानते हैं, ये लोग तो सच में काफी डरावने हैं। और फिर ये टकला कहता है कि मेरा नाम लांगिया है और ये मेरा भाई यू ताओ है, और हम बेंटी सेक्ट से हैं। और बेंटी सेक्ट को सुन के टीचर वांग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और मन में कहते हैं कि ये तो वही सेक्ट है जिसने अपने आप को काफी लंबे समय से छिपा रखा है, और ये काफी ज्यादा टेरिफाइंग और स्ट्रॉन्ग सेक्ट है जिसने बाकी के डेमोनिक सेक्ट्स को भी पीछे छोड़ दिया है, और ये तो दुनिया का सबसे ज्यादा रहस्यमय सेक्ट बेंटी सेक्ट है। और लांगिया कहता है कि युहा हमारा उद्देश्य तुम्हें ढूंढने का काफी सिंपल है, हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ सेक्ट लौट के चलो। और लौट के चलने वाली बात को सुनकर युहा थोड़ा सा चौंक जाता है, तो लांगिया बताता है कि हाँ, बेंटी सेक्ट के अंदर ऐसे स्प्रिट मास्टर्स होते हैं जिनके पास ह्यूमन बॉडी पार्ट स्प्रिट एजेंस होता है, और अब जब तुम्हारा स्प्रिट एजेंस तुम्हारी आईज है तो फिर तुम भी हमारा एक हिस्सा हो, और हम यहाँ पे तुम्हें वापस घर ले चलने के लिए आए हैं। और इस बात को सुनकर टीचर वांग मन में कहते हैं कि ये लोग तो मेरे सामने ही युहा को अपने साथ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो युहा कहता है कि आपकी इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं शेरेक का एक मेंबर हूँ और कम से कम अभी मेरा किसी भी सेक्ट को ज्वाइन करने का प्लान नहीं है। तो लांगिया कहता है कि नंबर 1 एकेडमी, ये बात इतनी भी बड़ी नहीं दिखती है, और उन्हें ऐसी भी क्या जरूरत है कि तुम जैसा एक बच्चा इस इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर पार्टिसिपेट करे, जबकि हमारा जो सेक्ट है वो बॉडी स्प्रिट एजेंस के साथ काफी फेमिलियर है, और तुम्हारे पोटेंशियल के हिसाब से मैं तुमसे वादा
करता हूँ कि तुम 20 सालों में तुम पूरी दुनिया को चौंका दोगे। अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो तुम्हारे फायदे ही फायदे होंगे। तो युहा कहता है कि नहीं, स्कूल मेरी फैमिली है और ये मेरे घर जैसा, जहाँ पे मुझे काफी अच्छा लगता है और संतुष्टि भी होती है, इसलिए मैं आपके सेक्ट को ज्वाइन नहीं करूंगा, इसलिए प्लीज मुझे माफ करें, अब मैं यहाँ से चलता हूँ। इतना कह के युहा यहाँ से जाने लगता है और इस वजह से युताओ को युहा के ऊपर गुस्सा आ जाता है। तो ये युहा को पकड़ने के लिए अपने हाथ को एक्सपेंड करने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम बस तुम्हें ऐसे ही जाने देंगे? तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जहाँ हो वहीं पे रुक जाओ। और तभी युहा मेंटल शॉक से युताओ के ऊपर अटैक करने लगता है और युहा को ऐसा करता देख लांगिया भी अपनी मेंटल एबिलिटी को यूज करने लगता है और कहता है कि ना समझ बच्चे, मेंटल एबिलिटी को यूज कर रहे हो, वो भी मेरे आगे। लड़के, तुमने गलत लोगों से पंगा ले लिया है। और लांगिया के मेंटल एबिलिटी की वजह से युहा को काफी तगड़ा शॉक लगता है और इसे काफी ज्यादा दर्द भी होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से युहा की थर्ड आई ओपन हो जाती है, जिस वजह से लांगिया की मेंटल एबिलिटी युहा के ऊपर पूरी तरीके से बेअसर हो जाती है। और इस चीज को देख के लांगिया भी काफी हैरान होता है और ये हैरान होते हुए मन में कहता है कि ये तो मेरे अटैक से आजाद हो गया है और इसे तो ऐसा नहीं कर पाना था। और क्या ऐसा हो सकता है कि इसकी स्पिरिट एजेंस अवेकन हो गई हो? नहीं, ऐसा कोई सा तरीका नहीं है जिससे कि इसे हमारे सेक्ट के सीक्रेट मैनुअल के बारे में पता हो। और तो और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि ये अवेकन हो चुका हो। और इतना सोचने के बाद लांगिया अपनी एबिलिटीज को हाई लेवल पे यूज करने लगता है और अपनी इविल सी स्माइल के साथ कहता है कि इंटरेस्टिंग, तो फिर चलो अब मैं तुम्हारे साथ खेलता हूँ। और इतना कह के लांगिया अपनी मेंटल एबिलिटी से युहा के ऊपर अटैक कर देता है। और तो और युताओ ने भी युहा के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन तभी एक शैडो सी काफी तेज युहा के आगे आ जाती है, जिस वजह से लांगिया का जो मेंटल अटैक होता है वो पूरी तरीके से बेअसर हो जाता है और इस मिस्टीरियस पर्सन के हाथ में लेग पीस होता है, जिसे देख के ये दोनों भी काफी ज्यादा चौंक गए होते हैं। और तभी ये मिस्टीरियस पर्सन अपने लेग पीस को युताओ के मुंह में ठूंस देता है और इस मिस्टीरियस बंदे के आने से ही लांगिया का जो मेंटल अटैक होता है वो यहाँ से दूर हटने लगता है। और इस चीज को देख के लांगिया भी काफी हैरान होता है और ये मन में कहता है कि मेरा अटैक पूरी तरीके से बेअसर हो गया है और यहाँ तक कि युताओ की भी काफी बुरी हालत हो गई है। और फिर हम युताओ को देखते हैं जिसके मुंह में लेग पीस ठुसा हुआ होता है, जिस वजह से इसके दांत भी टूट गए होते हैं और इसके मुंह से खून निकलने लगता है। और ये मिस्टीरियस पर्सन और कोई नहीं, ज़ुआनलाओ होते हैं और ये स्वैग मारते हुए कहते हैं कि मैंने तुम्हारी काफी सारी रोस्ट फिशेस खाई हैं, इसलिए अब मुझे तुम्हारे उस उदारता का एहसान चुकाने की जरूरत है। और ये किस तरीके के कुत्ते बिल्ली हैं जो कि हमारे शेर के साथ पंगा ले रहे हैं? तुम लोग तो खुद मुसीबत में हो और तब भी तुम्हारी इसे किडनैप करने की हिम्मत हुई। और ज़ुआनलाओ को यहाँ पे देख के टीचर वांग और यो ये दोनों ही काफी खुश होते हैं। और ज़ुआनलाओ को देख के लांगिया मन में कहता है कि ये बंदा काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर ये पूछता है कि आप कौन है? तो ज़ुआनलाओ कहता है कि तुम दोनों की तो बात ही क्या करना, यहाँ तक कि अगर यहाँ पे तुम्हारे सेक्ट का वो मॉन्स्टर भी होता, यहाँ तक कि तब भी वो मेरे इतने करीब खड़े होने की हिम्मत भी नहीं करता। और ज़ुआनलाओ की इस बात को सुन के लांगिया काफी ज्यादा डर सा जाता है और घबराते हुए कहता है कि मैं समझ गया, तुम तो हाई शेंग जी से होना और हाई शेंग जी से इसका मतलब पोसाइडन कोर्ट से है। और फिर ज़ुआनलाओ काफी गुस्से में कहते हैं कि अब जब तुम हाई शेंग जी शब्द अब भी जानते हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी जाने देता हूँ, इसलिए मेरा मन बदलने से पहले यहाँ से दफा हो जाओ। और ज़ुआनलाओ के गुस्से को देख के इन दोनों की काफी ज्यादा तगड़ी वाली फट जाती है और ये काफी चिल्लाते हुए कहते हैं कि हे भगवान, ये तो पोसाइडन कोर्ट का एक एल्डर है। और ये ज़ुआनलाओ की बात पे हाँ करते हुए यहाँ से दुम दबा के भागने लगते हैं। और तो और ये जाते हैं वे ज़ुआनलाओ को धन्यवाद भी करते हैं इनकी जान बख्शने के लिए। और यह काफी ज्यादा खुश होते हुए ज़ुआनलाओ को धन्यवाद करता है और ज़ुआनलाओ भी काफी खुश होते हैं और ये मन में कहते हैं कि लिटिल यह के सामने खड़ा होना मुझे तो सच में काफी अच्छा लगता है और इस वजह से अब मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा है। और फिर ज़ुआनलाओ यह से कहते हैं कि तुम शेरक का एक हिस्सा हो, तो फिर किसकी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की हिम्मत होगी? और तभी यहाँ पे गुस्से में आग बबूला होती हुई माँ ज़ियाओताओ आ जाती है और ये चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई मेरे लिटिल ब्रदर को बुली करने की, मैं तुम सभी को ही मार दूंगी। और ज़ियाओताओ के पीछे पीछे वांगडोंग भी आ जाता है और ज़ियाओताओ को ऐसे देख के ज़ुआनलाओ इसे कहता है कि ये तुम क्या बकवास करे जा रही हो। और ज़ुआनलाओ को यहाँ पे देख के माँ ज़ियाओताओ की बोलती बंद हो जाती है और फिर ज़ुआनलाओ कहते हैं कि ठीक है, अब सब कुछ ठीक है, तुम लोग अब जा सकते हो और इस समय को अच्छे से इस्तेमाल करके अपने आप को ट्रेन करना और मैं तुम लोगों के मैच को देखने के लिए जरूर आऊंगा। और ज़ुआनलाओ की इस बात को सुन के ये सभी लोग ही काफी खुश होते हैं और जोश से हाँ करते हैं। और जैसे ये सभी बच्चे लोग यहाँ से चले जाते हैं तो टीचर वांग ज़ुआनलाओ के पास आते हुए कहते हैं कि ज़ुआनलाओ, मुझे नहीं लगता कि बेंटी सेक्ट को लेकर ये जो मसला है वो इतनी आसानी से खत्म होगा। जिस पे ज़ुआनलाओ कहते हैं कि हाँ, वो जरूर कोई ना कोई चाल चलेंगे, इसे मुझे जल्द से जल्द अकेडमी लौटने की जरूरत है और मैं बस उम्मीद करता हूँ कि वो ओल्ड
मॉन्स्टर इतनी जल्दी कुछ ना करे। और इस तरफ जैसे ही वह इन सभी को बेंटी सेक्ट के बारे में बताता है तो इन सभी के ही काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और इनके होश उड़े हुए देख यह भी थोड़ा सा घबरा सा जाता है और कहता है कि क्या ये बेंटी सेक्ट इतना ज्यादा डरावना है। जिसपे बैबई बताता है कि हाँ काफी डरावना है। बेंटी सेक्ट शेरेक और सनमून किंगडम की मिंगदे हॉल और इन तीनों को ही टॉप 3 फोर्सेस माना जाता है और वो 2000 साल पहले हम लोगों से हार गए थे। वो लोग अच्छे नहीं है और न ही डेमोनिक है। वो लोग तो बस वही करते हैं जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा बेरहम है और वैसे तो वो नॉर्मली छिपे रहते हैं, लेकिन यह उनका ध्यान अब तुम पे आ गया है इसलिए अब से तुम्हें केयरफुल रहने की जरूरत है। तो माजियाओ कहती है कि अगर तुम चाहो तो तुम सिस्टर के रूम में सो सकते हो। इस बात को सुनकर वांगडोंग चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैं यह को प्रोटेक्ट कर लूंगा। और बैबई कहता है कि कोशिश करना कि तुम अकेले ना रहो। तो यह हंसते हुए कहता है कि जब तक कि यहाँ पे जुआन लाओ है तब तक सब ठीक है और मुझे लगता है कि इससे ज्यादा ध्यान तो हमें अपने मैच के ऊपर देना चाहिए। और यह की इस बात को सुनकर ये सभी कहते हैं कि हाँ तुमने सही कहा। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।